किसी ने क्या खूब कहा है, जहां प्रेम है वहीं भक्ति है और जहां शिव है वहीं शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि शिव जी के परिवार और उनके सदस्यों से क्या प्रेरणा मिलती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है शिव परिवार। शिवरात्रि पर शिव जी के पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। शिव परिवार में शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय स्वामी के साथ ही चूहा, नाग, मोर, नंदी और शेर भी शामिल हैं। ये सभी प्राणी एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव जी परिवार में एक साथ रहते हैं। शिव पुराण के मुताबिक सभी देवी देवताओं में सिर्फ शिव जी ही ऐसे हैं जिनका भरा पूरा परिवार है। शिव पार्वती के पुत्र गणेश जी, उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके पुत्र हैं लाभ क्षेम। शिव जी का वाहन नंदी है, वे गले में नाग धारण करते हैं। देवी का वाहन सिंह है, गणेश जी का वाहन चूहा है और कार्तिकेय स्वामी का वाहन मोर है। नाग चूहे का शत्रु है, मोर नाग का शत्रु है, शेर नंदी का शत्रु है, लेकिन ये सभी एक साथ एक परिवार में रहते हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। शिव परिवार के ये वाहन हमें संदेश देते हैं कि परिवार में सभी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे के शत्रुता रखेंगे तो परिवार टिक नहीं पाएगा। शिव परिवार के इन वाहनों में पार्वती जी का वाहन सिंह सबसे शक्तिशाली है। इसका संदेश यह है कि घर की महिला की बौद्धिक मजबूती से पूरा परिवार शक्तिशाली बनता है। महिला अपने परिवार को हर संकट से बचाने में सक्षम होती है। शिव जी का वाहन वृषभ यानी नंदी है। शिव जी ध्वज पर भी वृषभ का चिन्ह है। वृषभ बहुत ही मेहनती होता है, ये शक्तिशाली होने के बाद शांत रहता है। नंदी का संदेश यह है कि हमें अपने शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और हर स्थिति में शांत ही रहना चाहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, आप जहां भी जाएंगे शिव परिवार के दर्शन आपको मिलेंगे। दोस्तों, आज के इस प्रेरणादायक कहानी में हमने आपको शिव जी के परिवार की संक्षिप्त कहानी सुनाई। इनका बहुत बड़ा परिवार है, आप उसको सुनते जाएंगे, समय खत्म नहीं होगा और शिव जी का परिवार नहीं खत्म होगा। तो इसलिए इनके जहां भी परिवार के दर्शन मिले, दर्शन कीजिए, उनकी आशीर्वाद लीजिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी शिव जी की परिवार की कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन जानकारियां शिव जी के परिवार की हम लेकर के आते रहेंगे, जिससे आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। और इसके लिए प्रेस बेल आइकन।